हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डिजाइन योर ड्रीम्स। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास वन मैथ्स की प्रैक्टिस वर्कशीट का नेक्स्ट पार्ट। इसके पहले के सभी पार्ट्स की लिंक ठीक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इन सभी वर्कशीट्स के थ्रू आप बच्चों को रेगुलर बेसिस प्रैक्टिस करवा सकते हैं और उनकी स्टडी को बहुत आसान बना सकते हैं। अगर आज की भी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें, तभी आपको मेरी वीडियोस रेगुलरली मिल पाएंगी। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट वर्कशीट, राइट द नंबर्स इन फिगर। इसमें नंबर नेम दिया गया है, यानी कि नंबर्स को वर्ड में दिया गया है और इसे बच्चों को फिगर में कन्वर्ट करना है। जैसे 25, 25, 25, 12, 1, 2, 12, 13, 1, 3, 13, 62, 62, 62, 42, 42, 80, 80, ठीक इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर इन वर्ड। इसमें बच्चों को फिगर्स में नंबर्स दिए गए हैं, इसे उन्हें वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। इस तरह की जब वर्कशीट थ्रू हम बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं तो उन्हें फिगर और नंबर नेम यानी कि वर्ड्स में लिखने की प्रैक्टिस दोनों हो जाती है। तो जैसे यहाँ पर है 100, तो यहाँ पर 100 की स्पेलिंग लिखेंगे HUNDREED, 100, 93, 42, 12, TWELVE, 49, 23, like this. Next worksheet is write the dodging table. इसमें बच्चों को dodging tables fill करने हैं। क्लास फर्स्ट में जब बच्चे आते हैं तो उन्हें 10 तक के टेबल आने ही चाहिए, और इस तरह से बच्चों को आप वर्कशीट थ्रू प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जैसे 6 2s are 12, 4 4s are 16, 5 3s are 15, 4 7s are 28, 3 6s are 18, 7 8s are 56. नेक्स्ट वर्कशीट में बच्चों को राइट इन नंबर्स दैट कम्स इन बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर। सभी नंबर्स मैंने एक साथ दिए हैं, इसमें बच्चों को क्वेश्चन पढ़ना है और बिटवीन बिफोर आफ्टर सभी नंबर्स को करेक्टली फिल करना है। जैसे 45, 47, तो यहाँ पर बिटवीन नंबर फिल करना है 46, 55, यहाँ पर बच्चों को बिफोर नंबर लिखना है 55 की बिफोर 54, 39 आफ्टर 40, 25, 27 का बिटवीन नंबर 26, बिटवीन नंबर ऑफ 52, 54, 53 एंड बिफोर 65, 64। बिल्कुल इस तरह से आप भी बच्चों को सभी नंबर्स मिक्स करके दें। अगर बच्चों को यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो बहुत ही आसानी से इस वर्कशीट को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट इज फिल इन द टेंस एंड वंस इन द ब्लैंक्स। इसमें बच्चों को टेंस और वंस के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा वो फिल करना है। जैसे 47, 7 वंस के प्लेस पे है और 4 टेंस के प्लेस पे है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 टेंस एंड 7 वंस। 2 वंस के प्लेस पे है, 3 टेंस के प्लेस पे है, तो सेकेंड वन हो जाएगा 3 टेंस एंड 2 वंस। 5 टेंस 2 वंस एंड लास्ट वन इज 3 टेंस 9 वंस। बिल्कुल इस तरह से एक्टिविटी थ्रू आप बच्चों को टेंस एंड वंस का कॉन्सेप्ट आसानी से सिखा सकते हैं। और नेक्स्ट वर्कशीट इज एंड सर्कल द स्मॉलर नंबर्स। इसमें बच्चों को नंबर्स कंपेयर करना है और जो स्मॉलर नंबर है उसमें सर्कल करना है। आप बच्चों को एक्सप्लेन करें कि जो नंबर पढ़ते वक्त पहले आते हैं वो होता है स्मॉलर नंबर। बच्चों को स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर किस तरह से आइडेंटिफाई करना सिखाए इस पर मैंने वीडियो बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर उस वीडियो को चेक करें। जैसे 42, 45, नंबर्स पढ़ते वक्त सबसे पहले नंबर कौन सा आता है 42, तो ये हो गया स्मॉलर नंबर। 36, 32, 32 इज ए स्मॉलर नंबर। 12, 42, 12 नंबर पहले आता है तो 12 है स्मॉलर नंबर। 19, 29, 19 इज ए स्मॉलर नंबर। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर बच्चों को लार्जर नंबर सर्कल करना है। लार्जर नंबर यानी जो नंबर्स पढ़ते वक्त बाद में आते हैं वो होता है लार्जर नंबर। जैसे 12, 32, तो कौन सा नंबर पढ़ते वक्त बाद में आता है 32, तो 32 हो गया लार्जर नंबर। 54, 53, 54 इज अ लार्जर नंबर।
63 36 63 इज अ लार्जर नंबर. 72 25 तो 72 हो गया लार्जर नंबर. 70 92 92 लार्जर नंबर. बिल्कुल इस तरह से. नेक्स्ट वर्कशीट इज फिलिंग द मिसिंग नंबर्स इन बैकवर्ड काउंटिंग. इसमें बच्चों को मिसिंग नंबर्स फिल करना है, वो भी बैकवर्ड काउंटिंग करते हुए, जैसे 37 36 35 34 33 32 31 45 का बिफोर नंबर 44 43 42 41 40 and 39. And the last one is 100. Before 100, what comes? 99, 98, 97, 96, 95, 94. And the last one is 93. बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग सिखाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर बच्चों का बैकवर्ड काउंटिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो जब वो सब्ट्रैक्शन वाले सम्स करते हैं तो उन्हें सब्ट्रैक्शन करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता और वो आसानी से उस तरह के सम को सॉल्व कर लेते हैं. मैच द फॉलोइंग्स. इसमें बच्चों को सबसे पहले रीड करना है और सेकेंड रो के साथ मैच करना है. सेकेंड रो के बाद उन्हें थर्ड रो के साथ मैच करना है. जैसे 5 10s 2 1s. इसमें 5 10s 2 1s कहाँ है? यहां पर. तो इसे मैच करेंगे. 2 10s 0 1s सो 20. 4 10s 6 1s 46. सो ये सभी हमारे हो गए नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म. अब हम इस नंबर को लॉन्ग फॉर्म के साथ मैच करेंगे. जैसे 3 10s 5 1s तो 3 10s 5 1s. 7 10s 0 1s. 6 10s 9 1s. 5 10s 2 1s. 4 10s 6 1s. बिल्कुल इस तरह से. ये रही हमारी मैथ्स की प्रैक्टिस वर्कशीट. आई होप इससे आप सभी को काफी हेल्प मिली होगी. आप सभी को यह वर्कशीट कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं. हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.